अगर आप एक कॉमेडी क्रिएटर हैं और आपको मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि आप कॉमेडी क्रिएटर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वही सेलिब्रिटी हैं जिनको कुली नंबर वन का रीमेक, दबंग 3 और राधे जैसी 2-पीस फिल्में भी मास्टरपीस लगती हैं। अरे इनको तो हम शक्ल जैसी फिल्में फनी लग जाती हैं, तो इनका एप्रिसिएशन तो तुम्हारे सरकैज़म लेवल को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। द साउंड ब्लेज, इंस्टाग्राम की उभरती कॉमेडी क्वीन। तो अभी तक अगर तुमने द साउंड ब्लेज को नहीं देखा तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर मेक जोक ऑफ देहरादून पढ़ाई करने जाए और वहां पे सूखे पन्नी के नशे करने सीख ले तो वो है द साउंड ब्लेज। मतलब कि ये साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वाली जो जेन जी गर्ल्स रिलेटेबल इंस्टाग्राम कॉमेडी करती है, वो हमारे दिल्ली हरियाणा के लोंडो के तो सर के ऊपर से चली जाती है। तो इसीलिए हम सबको चाहिए थी अपनी देसी कॉमेडी क्वीन, बस वही है द साउंड ब्लेज। जो लोग कॉल करके पूछते हैं ना, गेस करो कौन बात कर रहा है, फोन में घुस के दो तमाचे मारेंगे, पहले तो तुमको हम फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक। तुम कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन नहीं हूँ कि तुमको तुम्हारी आवाज ही से पहचान ले। मतलब मैं मिथिका के ऊपर एक वीडियो लिख ही रहा था, इतने में ही भाई यार तुम दोनों भाई सांस तो लेने दिया करो। इन दोनों को इतनी हवस है स्पॉन्सर्स की कि मैं बस वीडियो सोचने बैठता हूँ, ये लिख के वीडियो डाल भी देते हैं। मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ, ये दो दो बार आते हैं। खैर थगेशन सम्राट, तुम दोनों द साउंड ब्लेज को कितना भी अनफनी बोल दो, लेकिन वो फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन से तो ज्यादा ही फनी रहेगी। मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ। यार सोशल मीडिया पे तुम्हारा रियल टैलेंट चल ही नहीं सकता। टोनी कक्कड़ भी पहले नर्सरी के बच्चों को पोएम क्लासेस देता था, वो तो बस यूं ही फेम के चक्कर में ऑटो ट्यून सिंगर बन गया। इवन अरविंद केजरीवाल जी भी अंडरग्राउंड पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, वो तो मजे मजे में यूं ही शौक के लिए राजनीति में आ गए। वैसे ही द साउंड ब्लेज भी पहले गाने गाती थी, वो तो उनको पता चला कि यूपी पुलिस इनके गानों को एज अ थर्ड डिग्री टॉर्चर यूज कर रही है मुजरिमों के ऊपर, तो उन्होंने गाना छोड़ के अपना करियर स्विच कर लिया। कुछ निब्बियां अपने बॉयफ्रेंड के नाम की धमकी देती कि मेरा बॉयफ्रेंड मारेगा तुमको, मैंने बता दिया तो, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड सैंड माफिया है कि जॉन सीना पाली हो। वैसे तो साउंड ब्लेज खुद भी अभी पढ़ने लिखने वाली छात्रा है, पर कॉमेडी कॉमेडी के चक्कर में वो दूसरों को निब्बी बोल देती है। निब्बा निब्बी क्रिंज जोक्स की एक खास बात है कि अक्सर उनको क्रैक करने वाला खुद उन्हीं में से एक होता है। ऐसे ऐसे घटिया यूजर नेम रख रहे हैं ये लोग। हाँ सही में, अब रियल नेम मिथिका और इंस्टाग्राम यूजर नेम द साउंड ब्लेज, घटिया बात तो है ही। वैसे मिथिका इतनी हेल्थ कॉन्शियस है कि कभी अपनी वीडियो दोबारा नहीं देखती। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होना भी बहुत टफ टास्क है, मतलब आपको हर एक माइलस्टोन सेलिब्रेट करना होता है। अब ये देख लो 2.5 लाख फॉलोअर कौन सेलिब्रेट करता भाई, अब 55,000 एंड सेलिब्रेशन क्या हो गया। अरे तेरे 2,73,000 फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे। बाय द वे कॉमेडी सब्जेक्टिव, जैसे तुम्हें पता ही है कि यार किसी को हम क्रिंज लगते होंगे, कोई हमको क्रिंज लगता है। सो ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट टू मिथिका, बहुत बढ़िया कर रही है। और लड़की कुछ भी करती हो, एटलीस्ट लिपसिंग करके या फिर ट्रेंड के नाम पे सिर्फ नाच नाच के इंस्टाग्राम पर कैंसर तो नहीं फैला रही। और रील्स का कैंसर तो इंसान फिर भी झेल ले, ये जो पहले लिपसिंग करके और भांग भोसड़ा ट्रेंड से पहले फॉलोअर्स लूटते हैं और उसके बाद इनके क्वालिटी स्पॉन्सरशिप। गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो अपना मनी डबल करवाने में और अपना मनी कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने में, तो फटाफट जाओ इस आईडी को फॉलो करो। चलो अब माय फिटनेस पीनट बटर खा के थोड़ा फॉर्म में आ जाते हैं। आर नेक्स्ट इंस्टाग्राम कॉमेडियन द रेबेल किड, ये मेरे से बड़ी उम्र के लोगों को भी खुद को किड बोलना अलाउड है क्या? हमारे स्कूल पर किसी ने अटैक करके हमें बंदी बनाने की कोशिश की, तो मैं पहले ऐसे मरने की एक्टिंग करूंगी, फिर उसे लात मार के उसकी गन छीन लूंगी, फिर सबको ऐसे करके उड़ा दूंगी, फिर मेरा इंटरव्यू आएगा टीवी पर और मुझे वीरता अवार्ड मिलेगा। द रेबेल किड भी वन ऑफ द साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वाली रिलेटेबल कॉमेडी करने वाली जेन जी फनी इन्फ्लुएंसर है। ये भी काफी मेहनत करती है अपने कॉन्टेंट में, जैसे की 2012 के व्हाट्सएप फॉरवर्ड को वीडियो वर्जन में कन्वर्ट करना। भाई रचित यार फिर ये मत कहा कर कि इस महीने का पेमेंट लेट क्यों आया। द रेबेल किड उर्फ अपूर्वा वंस इन अ वीक ही पोस्ट करती हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनकी वीडियो देखने के बाद व्यूअर को कम से कम 6-7 दिन तो लगेंगे डिटॉक्स करने में। I just woke up and it is currently 6 PM. क्योंकि मैं सुबह 5 बजे तक फ्रेंड्स बिंज वॉच कर रही थी फिर से। Yes, I know I have a problem. Instagram पे बाकी सब के आईने देखो कितने सुंदर लगते हैं, मेरा आईना इतना गंदा पड़ा है। मम्मी आप सफाई क्यों नहीं करते हो यार? इसीलिए कह रहा था मैं द साउंड ब्लेज ही बढ़िया है। अरे थोड़ी देसी सी तो है, हम कुछ रिलेट तो कर लेते हैं उसकी वीडियोस से। इनकी तो रिलेटेबल वीडियोस भी हम रिलेट नहीं कर पाते। इनका बचपन हमसे अमीर था, इनकी प्रॉब्लम्स हमसे अमीर है, इवन इनकी गरीबी वाली रिलेटेबल फनी वीडियोस भी हमसे अमीर हैं। खैर ये खाओ तुम।
माई फिटनेस पीनट बटर, अमीर गरीब मिडिल क्लास सबके टेस्ट के लिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है और USFDA रजिस्टर्ड भी, और इवन इसको एंडोर्स कर रहे हैं अपने पांड्या भाई कृति सेनन, और तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर्स में अवेलेबल है विद कैश ऑन डिलीवरी। अबे इतना सब कुछ कहीं नहीं मिलता, वो भी टेस्ट के साथ और हेल्थ के साथ। हाँ जा रहा हूँ मैं माई फिटनेस पीनट बटर खाने। अपूर्व का इंस्टाग्राम बायो है, रिश्तेदार प्रोफाइल देखते हैं यार। हाँ पूर्वा देखेंगे ही, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कि ये किस पे गई है। हेलो सिक्योरिटी वाले भैया इधर आओ, अगर किसी भी लड़की की क्लीवेज मेरे से ज्यादा दिख रही हो ना यहीं से वापस आउट, ठीक है? ओहो फिर से अमीरों वाली कॉमेडी, हमारे तो समझ ही नहीं आती। और अपूर्व को ये अपनी इतनी इररिलेवेंट कॉमेडी वीडियोस इतनी फनी लगती हैं कि इन्होंने उन वीडियोस के पार्ट 2, 3, 4 तक बनाए हुए हैं दैट नोबडी आस्क्ड फॉर। प्रॉब्लम ये कि हमारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम पहले किस प्रॉब्लम। एक तो यार ये इंस्टाग्राम पे कॉमेडियन बनने के लिए तेज तेज बोलना जरूरी है क्या? तेज बोल के ज्यादा कॉमेडी हो जाती है? नहीं आराम से बोल लो, अगर अगर पंचलाइंस होंगी तो वैसे भी हंसी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो लगाओ यार। हेलो कहाँ जा रही है? प्लेबॉय जा रही हूँ। इतनी लंबी स्कर्ट पहन के? मैडम जी स्कर्ट्स आर सपोज्ड टू बी दिस लॉन्ग, यही संस्कार दिए गए यार मैंने तुझे। मेरी बेटी है भाई, तू प्लीज थोड़ा हॉट बन के बाहर निकला कर यार। मम्मा मेरे को राहुल ने गाली दी। उसने तेरे को गाली दी और तू रोते रोते घर आ गई क्यों? मैं अभी अभी तेरी पीटीएम से आई हूँ एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड। तेरे को पता है तेरी टीचर तेरी तारीफ कर रही थी, बोल रही थी कि तू हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती है, टीचर की सब बात मानती है। छी यार ये कोई तरीका है क्या अपनी स्कूल? अरे सर बाहर मेरी कैब आ गई पर अब तक इसकी वीडियो पे हंसी नहीं आई। अपूर्व ने हर चीज पे ऑनेस्ट रिएक्शन वीडियोस बनाई हुई हैं, सिवाय अपने वीडियोस के, क्योंकि सेल्फ इंजरी वीडियोस तो इंस्टाग्राम भी अलाउ नहीं करता। जल्दी जल्दी जाके लोनलीनेस और डिप्रेशन पे एक रिलेटेबल रील वीडियो डाल देती हूँ, फिर हाउ आई गेट रेडी फॉर अ डेट वाली वीडियो भी तो पोस्ट करनी है, और फॉर एवरीवन हु इजंट लकी इनफ टू बी माय फ्रेंड लुक हाउ फन आई एम वाली पोस्ट भी तो डालनी है। देखो दोस्तों जो भी क्रिएटर्स ये डिप्रेशन एंजाइटी मेंटल हेल्थ का सोशल मीडिया पे बड़ा फैंसी सा ड्रामा करते हैं ना, ये सब सिंपैथी और अटेंशन लूटने के लिए होता है और कुछ नहीं। जिसको रियल में हो रहा होता है ना वो सोशल मीडिया पे आके रोता नहीं है, क्योंकि आजकल के हमारे यूथ जेन जी को थोड़ा कूल लगता है अपने आप को डिप्रेस दिखाना। कूल है ना मैं डिप्रेस्ड हूँ यार, मैं डार्क डार्क पोस्ट डालता तो बड़ा कूल है। बाय द वे अपूर्व अभी शुरू से कॉमेडी क्रिएटर नहीं थी इंस्टाग्राम पे। अब तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि सोशल मीडिया पर कोर टैलेंट की कदर नहीं है। अपूर्व भी पहले फैशन इन्फ्लुएंसर हुआ करती थी, बाद में कॉमेडी क्वीन बनी है। क्योंकि 2.5 लाख फॉलोअर का केक जो काटना था भाई, तेरी कसम बता रहा हूं ये 2.5 लाख के केक में कुछ ना कुछ तो टोटका है जो हमने मिस कर दिया। चलो यार अब अपने टाइटल से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं, जिसके लिए टाइटल रखा गया है मिस्टर रजत पवार। इंडिया में एक्स टिकटॉकर क्या बन सकता है यूट्यूब पे आगे? लो स्टार, सो द कॉन्ट्रोवर्सी बिगिंस नाउ। तो अगर रजत के करियर को काफी क्लोजली देखा जाए यूट्यूब पे, तो उसका करियर टिकटॉक से लेके टिकटॉक पे खत्म हो जाता है। रजत भाई अगर टिकटॉक ना होता, जिसको आप रोस्ट कर रहे हो, अगर टिकटॉक ना होता तो आपका करियर भी उतना ही बड़ा होता जितना कि आपका IQ। नहीं आया ना समझ? मुझे भी नहीं आया। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है रजत, समझ कहाँ से आएगा। भाई अगर ये सुनियो है ना, तो मैं भी भारत के जंगलों में विलुप्त हो रहा हिम तेंदुआ हूँ, और इतना बेसिक बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगाया करो यार वीडियोस में। अरे कुछ तो मेहनत कर लो सरकार, सारी मेहनत एजेंसी नहीं करती। रजत पवार की वास्ट वैरायटी के कंटेंट में से एक कैटेगरी BTS हेटर्स का रोस्ट भी है। काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए। BTS इतना छोटा बैंड नहीं है किन हिटर्स जैसे कुत्तों के भौंकने से बदनाम हो जाए। मतलब कि BTS वालों को इंडिया में डिफेंस के लिए रजत पवार की जरूरत पड़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे खबीब को रेसलिंग सीखने के लिए मेरी जरूरत पड़ सकती है। तो कभी कभी सिंपिंग के चक्कर में रजत भाई BTS को रोस्ट करने वालों को कुत्ता बोल देते हैं। चलो भाई बिल्कुल ठीक बात है, रोस्ट करने वाले कुत्ते हैं, लेकिन आपने भी तो रियाज और ब्यूटी खान पे 5-6 वीडियोज बनाई है, इसका मतलब तो आप भी यार छोटे मोटे पप्पी तो हो ही यार। ये बंदा इतना ज्यादा लेड़ू रोस्टर है कि जब वीडियो शुरू होती है ना तो उसको कट भी ठीक से नहीं कर पाता। इसकी शक्ल ऐसी दिखती है जैसे भीगी हुई बिल्ली की। एडिटिंग की बात भी कौन कर रहा है भाई, जिसके थंबनेल कम और फोटो कोलाज ज्यादा लगता है। और रजत पवार नॉन अब्यूसिव कंटेंट क्रिएटर है, इनको इस बात पर घमंड है, लेकिन साथ में बॉडी शेविंग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। अरे अरे फूटी जवानी के टूटे चावल के दाने जैसे अंकल, ये शरीर में से शिमला मिर्च क्यों निकाल रहे? वो शरीर भी तुम्हारा फूकी हुई बीड़ी जैसा है, शक्ल ही चोर जैसी है तुम्हारी, ऐसे बकरे जैसी शक्ल लेके वैसी हरकतें करके उसको इंप्रेस करने जा रहा है सर। यार रजत तुम एक काम करो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो माय फिटनेस पीनट बटर मेरे से लेके जाओ, नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, ये खाओ ठीक हो जाओगे। अबे यार ये रजत पवार की वीडियो करके तुम फ्लश भी नहीं करते? फिर से आ गया बिल्लियों का जोड़ा पै पै पू पू करता हुआ। नहीं है भैया दूध है, डराने की कोशिश कर रही हो? मम्मा आ रही हूं। लगा डर है, अब भागी पुदड़ पुदड़ करती हुई भागी है। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, रजत के नाम की स्पेलिंग में
सी का मतलब क्रिएटिव है, एफ का मतलब फनी है, और वी का मतलब वैल्यूएबल कंटेंट है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें पता होता है कि हमारे फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा है, फिर भी जब भी किचन में जाएंगे तो एक बार फ्रिज खोल के जरूर देखेंगे, क्या पता कुछ कुदरत का करिश्मा हो जाए, पर नहीं होता। रजत भाई, अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब की कोई पॉलिसी होती ना कि लगातार 3 अनफनी वीडियो डालने वाले का अकाउंट डिलीट कर देंगे, तो तुम आज के टाइम पे सोशल मीडिया में है की जगह थे हो जाते। बट रजत इतना मेहनती लड़का है कि अपने वीडियोस में लाफिंग इफेक्ट भी खुद से डाल देता है, जिससे कि देखने वाले को पता चल जाए कि हंसना कहाँ पे है। बहुत केयर करता है यार ये अपनी ऑडियंस की। प्लीज मेरे घर वालों को बता दो कि तुम लोग भी 1-2 बजे तक जागते हो। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे हंसना था, पता चल गया मुझे। अगर आप पूरी जिंदगी में एक भी लड़की नहीं पटा पाए तो आपका जीवन बेकार है, मैं तो मैं दूसरा जन्म लूंगा। पता चल गया था मुझे कहाँ हंसना था। बट ऑन अ सीरियस नोट यार, रजत बहुत टैलेंटेड लड़का है, क्योंकि अनफनी के साथ क्रिंज होते हुए भी सोशल मीडिया पे सरवाइव कर गया। टैलेंट तो लगता है यार इस काम में भी। ये तो सच में गरीब निकला, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, पर ये सुंदर कैसे हो गया? सुंदर कैसे हो गया बे? दूध सी सफेदी निर्मा से निर्मा से ना है। जैसे कि मैंने कहा, रजत भाई इतने टैलेंटेड है कि कैरी की वीडियोस देखते ही एक ही दिन बाद रोस्टर बन गए। अच्छा हुआ भाई ने राजकुंद्रा की फिल्में नहीं देखी। रजत की आधे से ज्यादा रोस्ट वीडियोस टिकटॉक और लिपसिंग इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर है, लेकिन रजत खुद भी पार्ट टाइम वही सब करता है। रजत भाई तुम अपना नाम बदल के आयरनी पवार क्यों नहीं रख देते? सिंगल होने के भी बहुत सारे फायदे, हम सिंगल लोग एक तरफ। अगर आप पूरी जिंदगी में एक भी लड़की नहीं पटा पाए तो आपका जीवन बेकार है, तो मैं सिंगल ही अच्छा हूँ। ओल्ड डेज में सिंगल लड़की पटाना निब्बा निब्बी वाले वही घिसे पिटे जोक्स मारने के बाद इवन डेज पे रजत भाई सोशल मैसेज भी देते हैं। तुम लोग सपोर्ट करते हो, तुम लोगों को कूल लगती है गाली, इसलिए इतनी ज्यादा प्रमोट होती है। रजत अपनी वीडियोस में बिल्कुल गाली नहीं देता, एकदम संस्कारी है, इवन आलोक नाग खुद आगे इनके पैर छू के जाता है। लेकिन रजत भाई बॉडी शेमिंग तो गाली से भी ज्यादा डेंजरस है। गाली मुश्किल से इंसान के दिमाग में 2 दिन टिकती है, पर बॉडी शेमिंग तो 2 साल तक मेंटल हेल्थ पे असर डालती है। अब यार इसके काउंटर रिप्लाई में ना कोई 1.5-2 साल पुरानी वीडियोस मत उठा के ले आना हमारी, जैसे वो तुम्हारी दोस्त वो कोई स्टील फैक्ट्री वाले अंकल की बेटी लाई थी। नहीं यार, कुछ नया फ्रेश करेंगे, या तो आगे डायरेक्ट रिप्लाई कर लेंगे, नहीं तो ये सबलिमिनल गेम नहीं चाहिए यार मेरे को वो स्टोरी पे कि डार्लिंग सालों को तरक्की से जलाएंगे। नहीं यार, ना तू शाहरुख खान है ना मैं, ना बनने वाले, मैं यूट्यूबर है तो वैसे ही रहो। और हाँ, सोशल मीडिया पे तुम्हारा ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना हिंदुस्तानी भाऊ का। और भाई ये क्या मैनेजर से बोल के द साउंड ब्लेज के साथ इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं? थोड़ा यार डिस्टेंस बना के रखो, तुम्हारे जोक्स की छत्र छाया में लड़की का करियर बर्बाद हो सकता है। वेल दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट लक्ष्य, अगर मर्जी हो तभी। डिस्कॉर्ड का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, वो भी अगर तुम्हें अपने हाथों से थोड़ी सी मेहनत करानी है तो, नहीं तो तुम देख के जा सकते हो आराम से अगर काफ़ी बिजी हो। और साथ में अगर लेजी हो तो माई फिटनेस पीनट बटर रखा है, जिसको चाहिए मैं नहीं भेजूँगा, नीचे लिंक है, ऑर्डर कर लेना, इतना भी अच्छा नहीं हूँ दिल का, छूतिया मान रहे हो तुम।